बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाब में पीटीआई ने स्वीप किया है और 20 में से 17 सीटें वो पीटीआई जीत चुकी है। ये बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि मैंने इससे पहले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए मियां नवाशी साहब को वोट डालें या इमरान खान साहब को, लेकिन एक फैसला कर लें कि किसके साथ जाना है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये एक फैसला किया, एक कौम बन के आपने पीटीआई को वोट डाला है, तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुखालफ जो हारा है उसने भी मुबारकबाद दी है जीतने वाले को, और ये पाकिस्तान में एक नई रवायत है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये जो है हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद दे रहा है। जैसे कि मैंने अर्ज किया था पहले प्रोग्राम में कि बाजी पलटने वाली है, सारी गेम बदल जाएगी और ये गेम बदल चुकी है। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब नहीं रहे, अब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी और आगे भी अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। ये जीतना भी पाकिस्तानियों को मुबारक हो, पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और तमाम दोस्तों से जो किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से इस नतीजे को एक्सेप्ट करें, सब इसको एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करें। अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जनरल इलेक्शन जल्द होंगे और पीटीआई दोबारा बरसरे इक्तदार आएगी और इमरान खान साहब इस मुल्क को राकेट की तरह लेके इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंडस्ट्री तरक्की करेगी, प्रोडक्शन तरक्की करेगी, डॉलर नीचे आएगा, रुपीज ऊपर जाएगा, पेट्रोल कम होगा, सुई गैस के रेट कम होंगे, बिजली के रेट कम होंगे, अवाम खुशहाल होगी। अल्लाह ताला ऐसा ही करे कि जैसे मैं ये दुआ मांग रहा हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।